अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान। फैजान आप क्या करते हैं? बीएस एजुकेशन कर रहा हूँ। बीएस एजुकेशन कर रहे हैं, वेरी गुड। टीचर बनना चाहते हैं इंशाल्लाह जी। अच्छा, कोई सवाल करें? मेरा अंकल सर फराज से क्वेश्चन है। बोलो नौ मौलूद फैजान, बोलो। रिसेंटली मोहम्मद आमिर ने अपनी रिटायरमेंट को वापस लिया और आपकी नज़र में एक ओवर में 15 स्कोर बचे हैं, वर्ल्ड कप का मैच है, तो आप लास्ट ओवर मोहम्मद आमिर को देंगे या शाहीन अफरीदी को देंगे? बड़ा कमाल सवाल पूछ लिया, फंसा दिया लड़के ने। नहीं नहीं नहीं, नहीं, बल्कि सैफी भाई कहेंगे सोहेल खान इधर आ। नहीं नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा। सोहेल खान को नहीं। आई थिंक मेरे लिए बड़ा इजी सवाल है क्योंकि आमिर के साथ मैंने बहुत क्रिकेट खेली है, शाहीन ऑब्वियसली मेरे साथ साथ ही आया, तो मेरे लिए इजी ऑप्शन है कि मैं आमिर की तरफ जाऊं क्योंकि आमिर के पास जो एक्सपीरियंस मौजूद है बॉलिंग का, एक्सपीरियंस है। सभी भाई, आप इस जो डिसीजन लिया आमिर ने, इमाद ने, आपको लगता है राइट डिसीजन है? देखिए, मैं तो ऑब्वियसली मेरे तो ये बहुत ही क्लोज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे टीममेट हैं, और मैं तो हमेशा से आमिर को कहता हूँ कि भाई आपको पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो आई थिंक देखें, देर आए, अच्छे टाइम पर दुरुस्त आए, पाकिस्तान को ज़रूरत भी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों की वापसी से पाकिस्तान टीम को ज़रूर फायदा होगा। अच्छा चले, आने का डिसीजन ठीक है, जाने का डिसीजन ठीक था आमिर का? जिस कंडीशंस में इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, थोड़े जज्बाती भी थे। देखिए, मैंने उस वक्त भी आमिर को कहा था कि यार देखो, हमें अपनी फील्ड नहीं छोड़नी चाहिए। ऑब्वियसली आमिर के साथ जो भी उसके होंगे, जो उसमें मसाइल्स होंगे, उसने बेहतर समझा होगा कि वो क्रिकेट ना खेले, लेकिन चले जहाँ भी उसने क्रिकेट खेली, जितने भी क्रिकेट खेली थी बहुत अच्छी खेली, उसके मैं समझता हूँ उसने अपने 2-3 साल ये ज़ाया किए। पाकिस्तान के लिए अगर वो खेलता तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होता और उसके लिए भी अच्छा होता, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए, उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम को आमिर के होने से बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं सफी भाई, हंसी मजाक चलता रहेगा, मगर मैंने एक चीज़ आपका क्रेडिट आपको जाता है कि आपके साथ ये भी हुआ कि आपने परफॉर्मेंस की टेस्ट मैच, दो एक टेस्ट मैच में नहीं की, आपको ड्रॉप कर दिया, आपको कप्तानी भी आपकी चली गई अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद, PSL में भी अभी क्वेटा ग्लेडियर से कप्तान, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी टीम्स के साथ हमेशा लॉयल रहे, पाकिस्तान से आपने हमेशा लॉयल्टी दिखाई, कभी मैंने आपके मुंह से शिकायत नहीं सुनी, एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स भाई, आपके लिए तालियां मिलती हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट, एंड सो डज यू ऑल। हाँ,